समझ नहीं आ रहा आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कोई हिनाता को किडनैप क्यों करेगा और उनको कैसे पता चला कि हम बिकोसु की तलाश में यहाँ पर आए हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जब से हम यहाँ पर आए हैं वहाँ पर बास की तरह नजर लगाए बैठे हैं। तो तुम जानते थे कि वो यहाँ है? तुम्हारे अलावा सबको पता था। अरे कम से कम मुझे बता दो सकते थे इस बारे में। हमें इस बात का डर था कि अगर तुम्हें बताएंगे तो तुम कोई बवाल खड़ा कर दोगे और फिर बिकोचू और यहाँ मौजूद हर इंसेक्ट की जान खामखा खतरे में पड़ जाती। अगर उन्होंने जबरदस्ती बिकोचू को लेने की कोशिश की तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने हिनाटा के बदले में बिकोचू मांगा है। काफी चालाक है वो लोग। क्या किसी और को भी मीठी सी सुगंध आ रही है? हाँ, ये हनी है। हनी बीज। बीज? दोस्तों, हिनाटा की गंध यहाँ से आगे नहीं है। इसका मतलब है कि वो इंतजार कर रहे थे कि कब हिनाटा अकेली होगी और कब वो बीज से उस पर हमला करेंगे। मैंने ऐसा सुना है कि हिडन स्टोन विलेज के अंदर एक क्लैन है जो बीज को कंट्रोल करने में माहिर है और वो क्लैन है द कामीज़ुरू क्लैन। कामीज़ुरू? ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना। पहले वो भी अबू रामे क्लान के जितना ही माहिर और फेमस हुआ करते थे। तो अब नहीं है क्या? मेरे ग्रैंडफादर के जमाने में हिडन स्टोन विलेज के शिनोबियों ने हिडन लीफ विलेज में घुसपैठ की। कामीज़ुरू क्लान ने हमला करने का एक प्लान बनाया था। उनका प्लान था कि बहुत सारी बीज से वो विलेज पर हमला करेंगे जिससे पूरे विलेज में तबाही मच जाएगी। लेकिन अबू रामे क्लान बीच में आ गया और बीज को जंगल की तरफ भेज दिया। दोनों क्लैंस में एक लंबी जंग भी चली। आखिर में जीत अबू रामे क्लैन की हुई। इस जीत के साथ लीफ विलेज में अबू रामे क्लैन को बहुत इज्जत मिली। लेकिन कामीज़ुरू क्लैन की बर्बादी शुरू हुई और हिडन स्टोन विलेज में सब खत्म हो गया। कहते हैं कि उस क्लैन के बस कुछ ही शिनोबी बाकी है। तो क्या ये वही लोग हैं जो बिकोचू की तलाश में यहाँ आए हुए हैं? तुम्हें क्या लगता है शीनो, इन लोगों को आखिर बिकोचू क्यों चाहिए? अब वो तो मेरे इंसेक्ट्स वापस आएंगे, तभी हमें कुछ पता चल पाएगा। लीफ विलेज भी मुश्किल वक्त में है। चुनिन एग्जाम में हंगामा हुआ, उसकी वजह से होकागे का अंत हुआ और कई शिनोबियों का भी। वक्त का पहिया अब घूमने वाला है। इसी का तो हमारे प्लान को इंतजार था। अब वक्त है अपनी ताकत दिखाने का, लेकिन उसके लिए हमें सूचिकागे की बुक चाहिए। उस किताब में बहुत पुराने और कमाल के जुत्सु हैं इंसेक्ट्स को काबू करने के लिए। अबू रामे क्लैन से लड़ते वक्त ही उस किताब को हम लोगों को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए था। लेकिन हमारे लोग कितने सालों से उसकी तलाश में लगे हुए हैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस बार हमें वो मिल जाएगी? इसलिए ही तो हमें बिकोचू चाहिए। ये मेरे दादाजी की विरासत है। वो एक अच्छे सूचिकागे थे। जब बिकोचू मिलेगा तो हम उसे पहले इसकी गन सुंघाएंगे। बिकोचू की मदद से हम सीक्रेट बुक की जगह का पता लगा सकते हैं। ये कुछ बाल और बिकोचू हमें मंजिल तक ले जाएंगे। अगर वो बुक हमें मिल गई और उसकी शक्तियाँ हमने इस्तेमाल की तो इसमें कोई शक नहीं कि पूरा विलेज हमारी इज्जत करेगा। इनका मकसद मुझसे अलग नहीं है। इन्हें भी एक पहचान चाहिए। नारुतो। कुछ पता चला शीनो? हिनाटा को कहाँ ले गए हैं? मुझे नहीं पता, जो दूसरे इंसेक्ट्स भेजे थे शायद वो भी खो गए हैं। अरे यार, ये तो गलत हुआ। अब उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। इतनी मुश्किल से हमने इस कीड़े को पकड़ा था। तो क्या चाहते हो, हिनाटा को भूल जाएं? सड़क गई है क्या? किसी कीमत पर हम ऐसा नहीं करेंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। अपने साथी का साथ छोड़ने वाला गद्दार होता है। ठीक है भाई, पर दिक्कत ये है कि हमको बिकोचू चाहिए ताकि हम साथी को भी ढूंढ पाएं। शायद अब हमें उसे ढूंढने के लिए कोई और तरीका सोचना होगा। हाँ सही कहा, पर उससे पहले हमें हिनाटा को छुड़ाना होगा। पर दोस्तों, मैं सोच रहा था कि क्या हिनाटा सच में ऐसा चाहती। ये पूरा प्लान उसी का आइडिया था। क्या? पर सच कह रहा हूँ, मैंने उसे बिकोचू के बारे में बताया था और ये भी कि बिकोचू का मिलना कितना मुश्किल हो सकता है। कीवा और मैं चाहते थे कि हम ऐसे मिशन पर जाएं जिससे विलेज की मदद हो। हम बिना सबूत के सास्के को ढूंढना नहीं चाहते थे।
लेकिन हिनाटा ने हार नहीं मानी। वो जिद करती रही, भले ही कामयाब होने का 1% चांस हो, फिर भी उसने साथ चलने को कहा। क्या सच में उसने ऐसा कहा? हाँ सच में, उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो मिशन के लिए बहुत जज्बाती थी, तो मैं और शीनो आने के लिए मान गए। पहली बार हिनाटा किसी मिशन पर हमारे साथ आई है, इसीलिए मैं इस मिशन को हर हाल में पूरा करना चाहता हूँ। मैं भी, लेकिन सवाल अभी यही है कि आखिर उसे बचाए कैसे, क्योंकि हमें नहीं पता वो है कहाँ। वैसे एक जगह है जहाँ वो हमें जरूर मिलेगी। हाँ तुमने सही कहा, जहाँ हम अदला बदली करेंगे। सही कहा, उन्हें बिकोतू लेने तो आना ही होगा। बिल्कुल, हमारे पास बस वही मौका होगा। तो ठीक है दोस्तों, यही हमारा प्लान है। हिनाटा को बचाओ और साथ में बिकोतू को भी, हर कीमत पर। लो आ गए हम तुम्हारे बिकोतू के साथ, हिनाटा को छोड़ दो। उस केज को वहीं रख दो, उस पत्थर के ऊपर। हिनाटा खेलो तुम्हारा कीड़ा, अब उसे छोड़ दो। पहले हमें तसल्ली करने दो। Downloaded from Toon World for All. ये क्या है? बेवकूफ धोखेबाजों, तुमने हमारे क्लैन को क्या समझ रखा है? ये गोलायत बीटल है, छोड़ूंगा नहीं। शीनो शुरू हो जाओ। ये क्या? पैरासिटिक इंसेक्ट्स। हमने हिनाटा को बचा लिया। Naruto! Okay, उम्मीद है कि तुम तैयार हो। बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा। सिर्फ एक सेकंड। दोस्तों, इसमें से हिनाटा की गंध नहीं आ रही। जैसा मैंने सोचा था। ये तो बीज वैक्स है। संभल कर। छोड़ूंगा नहीं। क्या करूं, ये हर जगह है। अरे यार, सॉरी नारुतो, बीज की वजह से दिख नहीं रहा। क्या करूं, ये हर तरफ है और हम इनसे लड़ क्यों रहे हैं, ये तो बस वैक्स है। सुनो दोस्तों, हिलना मत। ये वाली नकली नहीं है और इसमें बहुत जहर भी है, इसका मतलब नकली में असली बीज भी छुपी है। हाँ, पर ये सब एक जैसी लग रही है। जरा मुझे कवर देना। वॉल ऑफ बीटल्स जुत्सु। क्या बात है, एक गेनिन के हिसाब से कमाल की ताकत है। आबू रामे क्लैन की नाक नहीं कटने थी तुमने, बहुत अच्छे बच्चे। The Kami Suru Clan. तो अब क्या किया जाए? हिनाटा को वापस करो। वैसे पहले हमारा इरादा तो यही था चूसे, पर अगर तुमने बिकोचू शांति से दे दिया होता तो। लेकिन अब लगता है कि तुम्हारा उसे देने का कोई इरादा नहीं था। तो अब आगे क्या करना है वो बताओ। तुम एक इंसेक्ट हैंडलर हो, बिकोचू को तुम ऐसी जगह कभी नहीं लाओगे जहाँ लड़ाई हो सकती हो, इसलिए तुम्हें हम अभी खत्म करेंगे और उसके बाद उस बिकोचू को भी खोज निकालेंगे। Wall of Beetles Jutsu. इसके पास यही एक ट्रिक है क्या? Kino Paper Bombs. अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। 1000 Beast Fingers Jutsu. Beetle Clones. अच्छा, तो अब हमारा क्या प्लान होगा शीनो? तुम्हें नहीं लगता हमें वापस जाकर लड़ना चाहिए? अगर उन्होंने पीछा किया तो उन्हें बिकोचू की लोकेशन पता चल जाएगी। फिक्र मत करो, बिकोचू अभी कुछ देर के लिए सेफ ही रहेगा। अभी सबसे जरूरी है हिनाटा को ढूंढना। हिनाटा मिल गई। इसके अंदर है क्या? हिनाटा कहाँ हो तुम? दोस्तों होशियार रहना, वो यहाँ दिख नहीं रहे, पर ये उनका कोई जाल भी हो सकता है। क्या वो वहाँ है? हिनाटा, ये जिंदा है। हिनाटा, हे, तुम ठीक तो हो ना? घबराओ मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। बस हो ही गया। लो, ये आखिरी वाला भी हटा दिया। नारुतो, थैंक यू। हिनाटा,
चलो बताओ कौन हो तुम? शिनो, ये क्या कह रहे हो तुम? ये हिनाटा है, भूल गए क्या? ये वो नहीं है, अगर होती तो तुम्हें गले लगाने के बाद इसका चेहरा लाल हो गया होता। हाँ, पर अगर ये हिनाटा नहीं होती तो अकामारू पहचान लेता। क्या तुम्हें तो अलग लोगों की गंध आ रही है? अगर तुम हिनाटा नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? नारुतो, यकीन करो, सच में ये मैं हूँ। अगर तुम हो तो ये बताओ तुम नारुतो के पीठ पर क्या चिपकाना चाहती थी? पेपर बॉम्ब। क्या तुम नारुतो को जख्मी करना चाहती हो? तुम होशियार हो, मुझे लगा था काम बन जाएगा। तुम, इसका मतलब वहाँ पहाड़ी पर तुम्हारा क्लोन था। इसने हिनाटा का कोट पहना हुआ था, इसलिए उसकी गंध इसके साथ मिक्स हो गई। बस बहुत हुआ, बताओ हमारी दोस्त कहाँ है? माफ करना, मैं नहीं बता सकती। बढ़िया, ऐसा लगता है कि वो तीनों सुज़ुमेबाची के बिछाए जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे साथी अब नहीं आने वाले हैं, शायद उनके लिए तुमसे ज्यादा बिकोचू जरूरी है। यकीन करो, अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। चलो अब बहुत हुआ, हमें उस बिकोचू को ढूंढना शुरू करना चाहिए। सूरज के उगने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, और तुम भागने की कोशिश मत करना। अगर तुमने कोई भी हरकत की तो ये बीज रस्सी को काट कर अलग कर देंगी। तुम्हारे ठीक आगे है एक खतरनाक अंडरग्राउंड सीवर, वहां पहुंचते ही एक झटके में तुम्हारा काम तमाम। देखो, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अगर सही सलामत रहना है तो बस होशियारी मत करना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आखिर मैं बोझ बनी गई हमेशा की तरह। तुम तीनों की तिकड़ी बहुत बकवास है, हर बार अपनी फूटी किस्मत आजमाने चले आते हो। अगर तुम बच गए तो हम फिर मिलेंगे। एक बात और, ये कोई मामूली गुफा नहीं है। अरे ये कहाँ फंसा दिया, छोड़ो। यहाँ कुछ और पकड़ने के लिए है ही नहीं, थोड़ा सब्र रखो, कोई रास्ता जरूर होगा। यहाँ तो हर तरफ बी लार्वा है। बी लार्वा? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, ये काफी बड़े हैं। देखो, मुझे ये बता दो कि तुमने बिकोचू को कहाँ छुपाया है, मेरा काम हो जाएगा और तुम भी बच जाओगे। हम नहीं बताएंगे। हमारा मिशन था बिकोचू को लेकर जाना और हम अब वही करने वाले हैं, समझी? अच्छा, तो अब इसका सामना करो। पेपर बॉम्ब्स। बस बहुत हुआ, फैंग और फैंग। क्या आवाज, इसका मतलब उन्होंने हार नहीं मानी है, वो अब भी लड़ रहे हैं। ये आंसू बहाने का नहीं, लड़ने का वक्त है। ये मिशन मेरा ही आइडिया था। क्या उधर रस्सी के आसपास 13 पीस है, अगर सबको एक साथ ही खत्म कर दूं तो मैं बच जाऊंगी, पर ये सब मैं करूंगी कैसे? नामुमकिन, ये वापस कैसे? बोला था ना, हारना मैंने आज तक कभी सीखा ही नहीं है। नारुतो, हाँ, मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे फोकस करना होगा, चक्र को कंट्रोल करना होगा। फैंग और फैंग! ये आखिर खत्म क्यों नहीं हो रही है? कीबा, माफ करना, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा और साथ ही मुझे कमजोरी भी महसूस हो रही है। ये कैसे हुआ? यहाँ मौजूद लार्वा का एक ही खाना है और वो है चक्र। या? और जब तक तुम वहाँ नीचे हो वो तुम्हारे शरीर में मौजूद तुम्हारी ताकत का हर कतरा ले लेंगे। अभी वक्त है, मुझे बता दो कि बिकोचू को कहाँ छुपाया है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, लार्वे तुम्हें खाएंगे या फिर तुम्हें खाएगा मेरा ये दोस्त। इससे ज्यादा रहम नहीं दिखा सकती, जल्दी बताओ।